हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भैयास लवली किचन। आज हम बनाएंगे रसमलाई। रसमलाई सभी को बहुत पसंद आती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, लेकिन रसमलाई बनाते समय थोड़ा पेशेंस का काम है, पेशेंस रखना है। इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप रसमलाई बनाओगे तो जल्दी से और बहुत अच्छी तरह से रसमलाई बन जाएगी। तो चलो देखते हैं रसमलाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। रस मलाई बनाने के लिए इधर मैंने 2 लीटर दूध लिया है। 2 लीटर दूध को 2 पैन में डिवाइड किया है। ये जो वाला पैन है, इसमें हम रस मलाई के लिए रबड़ी बनाएंगे। ये रबड़ी के लिए दूध पूरा अच्छी तरह से गाढ़ा करना है। और इस पैन में जो मैंने दूध रखा है, इस दूध को उबाल आने के बाद हमें छेना निकलना है। और रस मलाई बनाने के लिए इधर मैंने 1.5 कप चीनी ली है, इलायची पाउडर, केसर को दूध में भिगो के रखा है। और ये जो मैंने सैफरन लिया है वो पतंजलि का सैफरन है। ये सैफरन का फ्लेवर अरोमा बहुत ही अच्छा है। आपको भी ये सैफरन लेना है तो आप कौन से भी पतंजलि के स्टोर से ले सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन लेना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, उधर जाके जरूर आप परचेस कर सकते हो। कटे हुए पिस्ता, कटे हुए बादाम और 2 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस हमें छेना निकालने के लिए चाहिए। मैंने नींबू का रस लिया है, आप नींबू का रस ले सकते हो, नहीं तो विनेगर भी डाल सकते हो। तो चलिए रस मलाई बनाना स्टार्ट करते हैं। ये दोनों पैन में मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा है। चलो इस पैन में जो दूध है इसे हमें अच्छी तरह से गाढ़ा बनाना है और दोनों साइड बाय साइड करना है। दोनों गैस मैंने ऑन किया है और बीच बीच में इसे चलाते रहना है ताकि दूध नीचे नहीं लगना चाहिए। देखो ये दूध को उबाल आया है। अब मैं गैस की आग धीमी करती हूँ और ये दूध भी हमें बॉईल करना है। ये दूध को भी चलाते रहना है। देखो इसी तरह से दूध को उबाल आया है। मैं अभी गैस बंद करती हूँ, दूध नीचे नहीं लगना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। नींबू का रस डाल के चम्मच से स्टीर करना है, मिक्स करना है ताकि छेना अच्छी तरह से बनना चाहिए। थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डाल के दूध को मिक्स करते जाना है। ध्यान रखें मैंने अभी गैस बंद किया है। देखो इसी तरह से ये छेना निकलने लगा है। देखो कितनी अच्छी तरह से ये छेना बन गया है। चलो इसे अभी स्ट्रेन करना है। इधर मैंने एक बड़ा बाउल लिया है और स्ट्रेनर और ये मलमल का कॉटन का कपड़ा लिया है। इसे हमें छेना छेनना है। छेना को इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से छान लेंगे और थोड़ा ठंडा पानी डाल के छेना को थोड़ा पानी से धो लेंगे ताकि छेना में जो खट्टाई, नींबू का खट्टाईपन है वो निकल जाए। छेना में से जो भी पानी है पूरा पानी निकलना है। ये जो पानी है, इस पानी से आप रोटी के लिए आटा भी गूंथ सकते हो। इससे जब आप रोटी के लिए आटा गूंदोगे तो रोटी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट मुलायम बन जाती है। चलो इसे साइड में रख देते हैं। इधर मैंने एक बड़ी प्लेट ली है। अब हम इसमें डालेंगे ये छेना। वाह, देखो कितनी अच्छी तरह से ये छेना बन गया है। ये छेना को हाथ से अच्छी तरह से मिलाना है और हथेली से मसल मसल के इसे चिकना करना है। लगभग इसे चिकना करने में 10-15 मिनट लगेंगे। 10-15 मिनट इसी तरह से हथेली से रगड़ना है और मिक्स करते जाना है। अच्छी तरह से इसका डो बनना चाहिए। तो चलिए इसी तरह से छेना को मसल मसल के चिकना करेंगे। देखो इसी तरह से छेना अच्छी तरह से बन गया है। देखो कितनी अच्छी तरह से बन गया है। चलो अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, गोल करके और थोड़ा चपटा बनाएंगे। देखो इसी तरह से गोल करके ऊपर से थोड़ा दबाएंगे। इसी तरह से हमें छेना के सारे बॉल बनाएंगे। देखो इसी तरह से छेना के सारे बॉल बनाया है और इधर ये दूध भी अच्छी तरह से गाढ़ा हुआ है। लगभग ये आधा दूध रिड्यूस हुआ है।
देखो इसी तरह से बीच बीच में इसे चलाते रहना है। और इधर मैंने गैस के ऊपर दूसरा पैन रखा है, हमें इसमें चाशनी बनाना है। मैंने इस पैन में 2 कप पानी डाला है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 कप चीनी और थोड़ी चीनी हम रबड़ी के लिए रखेंगे और इन्हें उबाल आने देते हैं। देखो ये चाशनी को उबाल आया है, इसी तरह से ही ये होना चाहिए, ज़्यादा स्टिकी नहीं बनना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे ये छेना के बॉल, सारे बॉल डाल देते हैं और इसे 10 से 15 मिनट मीडियम गैस पे पकाएंगे। तो चलो इन्हें मीडियम गैस पे पकाते हैं और तब तक के लिए इधर रबड़ी भी अच्छी तरह से बनेगी। देखो इसी तरह से 10 मिनट हुआ है। 10 मिनट में देखो ये रसगुल्ले छेना बहुत अच्छी तरह से पक गया है और पक के ये डबल हुआ है। देखो कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। मैं अभी गैस बंद करती हूँ और इधर ये जो रबड़ी है देखो ये भी बहुत अच्छी तरह से ये दूध भी गाढ़ा हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, 3 चम्मच चीनी डाल देते हैं। आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हो। और एक केसर का दूध, मिलाते हैं इन सारी चीज़ों को। अब हम इसमें डालेंगे बादाम पिस्ता और थोड़े बादाम पिस्ता हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। मिक्स करेंगे इन सारी चीज़ों को और फिर से 2-3 मिनट पकाएंगे। देखो इसे उबाल आया है, हम इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक के लिए छेना भी बहुत अच्छी तरह से पक के तैयार हुआ है। देखो कितनी अच्छी तरह से पक गया है। जब आप छेना को अच्छी तरह से मसल मसल के चिकना करोगे तो बहुत अच्छी तरह से रसगुल्ले बन जाते हैं। मैं अभी गैस बंद करती हूँ और इसे ठंडा होने देते हैं और रबड़ी को ही ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम रसमलाई बनाएंगे। इसी तरह से ये रबड़ी बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार है, वो ठंडी हुई है और ये छेना रसगुल्ले भी बहुत अच्छी तरह से बन गए हैं, दोनों भी ठंडा हुआ है। चलो अब हम रस मलाई बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक ग्लास का बाउल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये रबड़ी, बहुत गाढ़ी ये दिख रही है और ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे ये रसगुल्ले, रसगुल्ले से जो भी शुगर सिरप है थोड़ा चम्मच से दबा के हम रबड़ी में डालेंगे। चलो ये सारे रसगुल्ले रबड़ी में डाल देते हैं। ये जो बचा हुआ शुगर सिरप है आप इससे चाय भी बना सकते हो। देखो इसी तरह से ये रस मलाई बन के तैयार है, बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। चलो इन्हें एक सर्विंग बाउल में सर्व करते हैं। इसके ऊपर थोड़ा गार्निशिंग के लिए मैं पिस्ता डाल देती हूँ। इसी तरह से टेस्टी रस मलाई बन के तैयार है, बहुत ही अच्छी ये रस मलाई बन गई है। लेकिन रस मलाई बनाते समय थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जब हम रबड़ी बनाते हैं तो दूध गाढ़ा करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, दूध अच्छी तरह से गाढ़ा होना चाहिए। मैंने इधर दूध सिर्फ दूध को ही गाढ़ा किया है। आप दूध में मिल्क पाउडर डाल के भी रबड़ी बना सकते हो, मावा डाल के भी बना सकते हो, लेकिन दूध से ही बनी हुई रबड़ी बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है। और रही दूसरी बात छेना की, छेना अच्छी तरह से बनना चाहिए, उसे मसल मसल के चिकना करना चाहिए, तब रसगुल्ले बहुत अच्छी तरह से स्पंजी बन जाते हैं। तो चलिए आप भी जरूर इसी तरह से रस मलाई बनाइए, खाइए। आई होप आपको भी बहुत बहुत ही पसंद आएगी मेरी ये आज की रेसिपी। आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, सजेशंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। फिर हम मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।